नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है रस भाग दो। ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को रस शून्य कर देता है। वह अपने शरीर और बुद्धि में भटकता हुआ 100 साल पूरे कर जाता है। मन को तो वह समझ ही नहीं पाता, समझ भी ले तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारा मन, बुद्धि, आत्मा त्रिगुणात्मक है और हमारे हैं, हम नहीं हैं। हम और हमारा एक नहीं हो सकते। मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला हूँ। रस रूप ब्रह्मा हूँ, अमृत रूप अमर आत्मा हूँ। न इसे विषय पर मनन करने का व्यक्ति को विचार आता है, न ही शरीर के आगे सोच पाना ही संभव होता है। यह तो निश्चित है कि आत्मा शरीर नहीं, इससे आगे है कैसे? सूर्य का ऊपर का अर्ध गोलार्ध तो अमृत सृष्टि से जुड़ा है, अर्थात ऊपर परमेष्ठी तथा स्वय लोक का अंग है। नीचे का अर्ध गोलार्ध मृत्यु लोक का जनक है। यही सृष्टि का मन है। अव्यय पुरुष की 5 कलाओं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक में जो मन केंद्र में है, वही जब प्राण वाक से जुड़कर नीचे की ओर आता है, तब सृष्टि मृत्यु लोक साक्षी होता है। वैराग्य अथवा निर्वृत्ति भाव में आनंद विज्ञान से जुड़कर मुक्ति साक्षी हो जाता है, यानी कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। इस मन के घटक तत्व तो क्या है? हमारा हृदय मन 3 प्राणों का समूह है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अग्नि, प्राण, अक्षर सृष्टि के अंग है। ये तीनों ही प्रत्येक जड़ चेतन के हृदय हैं। इसके भीतर अव्यय पुरुष की 5 कलाएं प्रतिष्ठित रहती है। अव्यय पुरुष को कृष्ण ने अपना पर्याय आत्मरूप माना है। मन आत्मा के नजदीक होने से हमें आत्मरूप भी भाषित होता है। यही मन भावपूर्ण भक्ति स्थिति में जब द्रवित होता है, तब रस की अनुभूति होने लगती है। यही रस तो आगे चलकर स्वयं आनंद के साथ एकाकार हो जाता है। रस धन ही तो ब्रह्मा है, आनंद ही रस है। रस का स्वभाव है फैलना। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ही ग्रहण, यानी कि विस्तार। सारा जगत उसी को तो विस्तार है। ब्रह्मा सिद्धांत में कहा है कि जितने भी संसार में नाम है, उनका वाक ब्रह्मा वाक है। संपूर्ण रूपों का चक्षु है। जितने भी कर्म है, उनका ब्रह्म आत्मा है, अर्थात ब्रह्मा का लक्षण है, जो सबसे बड़ा है और सर्वत्र फैलता रहता है। जल से रस की एक रूपता के कारण रस कहते हैं ब्रह्मा को। जैसे चित्त विषयों के अनुसार सदा द्रवण भाव में रहता है, यही रस है। बड़ा रस मिला कहकर सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म रस सुख एक ही तत्व तो है। ब्रह्मानंद रस रूप को अमृत कहते हैं। जीवन में इस आनंद की अनुभूति भी तो फैलाव में ही देखी जा सकती है। आप किसी भी अतिथि या अनजान व्यक्ति को भोजन कराइए, आप उसके चेहरे पर आनंद भाव देख पाएंगे। भोजन में रस भाव सीधा जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन के अनुसार भावपूर्ण भोजन तो रस समुद्र में गोते लगाने जैसा ही है। रस का पुष्टिकर्ता होने के कारण अन्न को भी ब्रह्मा कहते हैं। सृष्टि विस्तार की दृष्टि से अन्न शुक्र का उत्पादक भी है, जिसमें योषा वीरसा का संग्रह होता है। रस का बांटना, भोजन कराने की परंपरा इस देश की संस्कृति का मूल अंग रहा है। प्रत्येक शुभ कार्य का समापन भी ही भोजन से होता है। यह अलग बात है कि आज की शिक्षा में रस की चर्चा ही नहीं है। अतः भोजन मन से नहीं, दिमाग से किया जाता है। इससे वातावरण भी रसहीन ही रहता है। घर और बाहर के भोजन का भेद समाप्त तो होता जा रहा है। केवल खाने के गुणों दोषों की चर्चा होती है। आलोचना का वातावरण इस भोजन का रस बनने ही नहीं देता। सारा उत्तर कैलोरी में सिमट जाता है। भोजन कराने की परंपरा को फैलाव की दृष्टि से देखेंगे तो मंदिरों के बड़े बड़े सामूहिक भोज भेड़े अथवा 84 गांवों के जिमाने की परंपरा का औचित्य समझ जाएंगे। यह बांटना ही फैलाव है, यही दान है, गरीबों की सहायता या दान
दरिद्र नारायण की सेवा का अर्थ भी फैलना ही है। ब्रह्मा के स्वरूप का ग्रहण ही तो है जिस किसी भी गतिविधि से सामने वाले के चेहरे पर आनंद भाव प्रकट हो सके, उसका आत्मा भाव आपके साथ एकाकार हो सके, वही रस की द्रवणशीलता का आधार है। यही आपका फैलाव भी है। बांटने का अर्थ है दान। आपका है उस अपना अधिकार छोड़कर दूसरे का अधिकार स्थापित करना दान है। वह वस्तु फिर आपके भोग लायक नहीं रहती जिसे हम दान करते हैं अथवा बांटते हैं। वह हमारा वित्त भाग है। श्रुति कहती है यावत वित्तम तावत आत्मा, अर्थात हम बांट किसे रहे हैं। जो कुछ बांटा जा रहा है वह तो आत्मा का अंश ही तो ही है। ब्रह्मा रूप रस ही है। यही रस बांटने में विस्तार पाता है। यही जीवन में आनंद का स्रोत है। धन्यवाद।